इतने मजे से बास्केटबॉल एंड फुटबॉल खेला ना, सब बड़ा बहुत मजा अच्छा, आया। आई थिंक दैट इज रियली गुड, फिर पूरी तो बहुत अच्छा क्लास है, फुटबॉल में फुटबॉल खेल रही थी मैं, पूरी बहुत पूरी अच्छा है फिर तो। क्लास, बड़ा मजा आया, बहुत हाउ मेनी मजा। गोल डिड यू अच्छा, डू? काश हमारी टीम ने 5 करे, उनकी टीम ने 4 करे। ओके चलो, तो तुम एक गोल से जीत गए हैं। हाँ, चलो अच्छे तुम दोस्तों, ये कहा था, स्टार्टिंग द शायद आज चैप्टर। थी एफ भी थी ना साथ में, तो बड़ा मजा आता। ओके, अरिनी इज आल्सो हियर, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। ओके गाइस, सो अरिनी गुड इवनिंग। सर देखो, मुझे आता मोशन कराने वाले वादा, किसी को याद नहीं था। और सबको याद था, सर, बाकी लोग बोले नहीं। सबसे पहले ओके मैंने बताया सर मोशन। मुझे कैसे एकदम से मोशन लगा मोशन मेजरमेंट? क्यों, और जैसे ही तूने बोला ना मोशन, मेरे दिमाग कुछ और दूसरी बात आई। मैंने कहा अभी तो क्लास स्टार्ट हुई, अभी इसको मोशन आ गया, तो मेरे को एकदम से सर, मोशन वाला चैप्टर, या मोशन ऑफ इंफ्लुएंस, साइंस एंड व्हिच चैप्टर का नंबर क्या, चैप्टर नंबर 11, टेन, 13, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. एनसीईआरटी में 10 दिया भाई, बाकी बुक्स में 11 हो सकता है। सर ये आई मोशन, थिंक पहले भी मोशन करा चुके हैं चैप्टर। एक्चुअली मोशन एंड मेजरमेंट करा चुका हूँ क्या मैं पहले? ध्यान हाँ से सर, देखो, हाँ सर करा चुके हो सर, ये देखो मेरे पास नोट्स है इसके। सर ये हाँ देखो, सर आप करा चुके हो, मेरे अरे पास तो भी फिर नोट्स हैं। सर ये अच्छा देखो, सर ये देखो। चलो, तो फिर कैसे करा रहा, फिर जल्दी जल्दी करा दूं ना फिर तो? हाँ हाँ सर, एक क्विज बार करवा दो हाँ रिवीजन सर, क्विज टाइप की कर लेते फिर तो। सर हाँ सर, रेटिकुलेट और रेटिकुलेट मोशन वगैरह वगैरह एक बार बता दो। हाँ ठीक है, ओके मोशन मेजरमेंट। चलो दोस्तों, तो एक काम करता हूँ फिर, दूसरे नोट से थोड़ा सा क्विक रिवीजन एंड देन क्विकली गो टू ये सर क्या नाम है, पढ़ना, पढ़ने का छोड़ते हैं सर, आप सीधा बस समझा दो या पढ़ने का छोड़ देंगे। ओके पहले प्लीज। नोट्स देखने दो मेरे को, मोशन मेजरमेंट वाला चैप्टर है, एक मिनट दोस्तों। यस सर, यस सर, यस, क्लास 6 का है। यार म्यूट करना, किसकी आवाज आ रही है? साइंस, यस, अच्छा है, गैलेक्सी भी अच्छा है, नहीं ये तो क्या हो गया, ये अक्षिता तो हो ट्रेवल कर रही है, अक्षिता गया। ओके नहीं, मैं हाँ, भी ट्रेवल नहीं कर रही, मैं बस गाड़ी में बैठी हूँ। गाड़ी में कोई नहीं है, सिर्फ पापा ही हैं। अच्छा यस ओके। ये जो गैलेक्सी काफी अच्छी बुक है, इससे मैं थोड़ा सा तुम लोगों सर को ये एडजस्ट, लिविंग साइंस, हाँ सॉरी, लिविंग साइंस वाली बुक सर, जो हमारी है हाँ गैलेक्सी, सर, जो मेरी वाली है हाँ ये मेरे अच्छा पे भी है। अच्छा सर हाँ अच्छा अच्छा अच्छी बुक है काफी। ओके एनसीईआरटी ज्यादातर बेकार होती है, पर ये रत्ना सागर की अच्छी होती है एनसीईआरटी। ऑल राइट गाइस, नाउ जस्ट नो 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 मोर डिस्कशन नाउ, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज पे अटेंशन हियर। ओके, जब हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम मेजरमेंट क्यों करते हैं। दूसरी बात, हम जब मेजर करते हैं तो लेंथ और मेजर ऑफ लेंथ क्या रहता है, मेजर ऑफ डिस्टेंस क्या रहता है। मेजर ऑफ लेंथ तो सबको होता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर ऐसे बोलते हैं, और डिस्टेंस को जनरली किलोमीटर्स में मेजर किया जाता है, जनरली मीटर में भी हो सकता है बट किलोमीटर नॉर्मली। सर आज मेरा पहला एग्जाम हुआ मिड टर्म का, कैसा हुआ दोस्त? सर बढ़िया हुआ सर, जीके का था अच्छा ओके, एसआई सर, यूनिट ऑफ 13 लेंथ से शुरू देखेंगे। करने वाले तो। अच्छा मेरे को मेरा क्लास से क्वेश्चन है, मैं कुछ क्लास में क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, चैट बॉक्स पे ध्यान दो। यस सर आंसर प्लीज। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम सर, यस सर, पढ़ा चुका हूँ, मैंने कई बार फुल पढ़ा है। फॉर्म नहीं लिखी सर, यस यस सेक लिख दी यस, मैंने। ओके ओके ओके, जल्दी 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 जल्दी। सर आपसे क्वेश्चन पूछूं? हाँ 1 मिनट रुक जाओ, उसके बाद पूछ रहा। ऑल राइट गाइज, नाउ नेक्स्ट यू हैव टू टेल मी, सर पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। नहीं पहले मैं पूछूंगा। ओके, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स लेंथ? हाँ जी सर, आंसर डालो जल्दी जल्दी। मैं सारी शॉर्ट फॉर्म में डाल रहा हूं।
एम ये किलोमीटर एम गलत है, गलत है, मीटर होता है। मीटर सर हमारी बुक में ही किलोमीटर लिखा है। सच्ची में सर दिखा दूंगा अभी। फोटो खींच, फोटो दिखा दे अभी, फोटो खींच के भेज दे, आप दिखा दे। सर अभी फोन नहीं है, ये लैपटॉप है। अगर दिखा दे, इसमें अच्छा दिखा 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 दे, दिखा हाईलाइट कर दे, हाईलाइट कर दे, पेंसिल अंडरलाइन कर दे, जल्दी कर। या मनन आस्क योर क्वेश्चन। सर मैं ये कह रहा था, बताओ घड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट सुई कौन सी है, सेकंड की, घंटे की या फिर मिनट की? सबसे इम्पोर्टेंट किस सेंस में पूछ रहे हो आप? सर मतलब कि अगर लाइक कौन सी इम्पोर्टेंट सुई है ज्यादा घड़ी में? मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आर 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 है ना? आर है हाँ सर, मीटर ही लिखा है सर। तो तुम तो किलोमीटर बता रहे हो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। क्वेश्चन आंसर में मैम ने वो लिखवा रखा है। गलत 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 गलत, मैं आपकी बात पे मत जाना, जो मैं बता रहा हूँ उस पे जाना। बताओ ना सर। अरे बता दिया, आर हैंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर एक चीज बताओ। सर गलत, सर गलत, बिल्कुल गलत। गलत नहीं, बिल्कुल सही है सर। जो मैंने सर सेकंड, सर सेकंड से मिनट बनता है, मिनट से आर बनता है। गलत नहीं, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे, मैं बताऊंगा कैसे, अभी बताऊंगा। ओके मास, मास का क्या है सही यूनिट बताओ भाई। सर व्हाट इज द सही यूनिट ऑफ मास? किलोग्राम। लिखो 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 सर, टॉप 3 मैं आता हूँ। सर मेरा जो मैथ का एग्जाम है ना सर, उसमें 14 चैप्टर आ रहे। आप बताओ ना कौन सा करना है जो हमने नहीं किया और आपको 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 जरूरत है जिसकी, बताओ। सर एक सेकंड, सर मैथ के इंटीजर्स कर ले। इंटीजर्स नहीं सर, सर इंटीजर्स आ ही नहीं रहे मेरे। ओके क्या आंसर लिखा है? नो, ग्राम इज रॉन्ग, ग्राम इज रॉन्ग, सर किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम लिखा, किलोग्राम इज द राइट आंसर। सो आई कैन सी अरिनी का गलत हो गया, बाकी सबका सही है। सब कर लिया, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में करा देता हूँ। ओके रुक जाओ भाई 2 मिनट, मैं थोड़ा सा, मैं शायद हो सकता है आज ही करा दूंगा। देखो मानन ने क्वेश्चन पूछा मेरे से अभी कि सर विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हैंड इन द क्लॉक। सर सेकंड, मैं बताता हूँ आपके पास नहीं, सेकंड कैसे? सर सेकंड होती है सर। मैं बड़ी क्लॉक नहीं उतार रहा हूँ, मैं अपनी अपनी नॉर्मल वॉच से दिखा रहा हूँ। मेरे पास ये वॉच है, इसको देख लो अभी आप लोग। इस वॉच के अंदर 3 हैंड है। अगर इस वॉच के अंदर से सेकंड का हैंड गायब हो जाए तो क्या यूजफुल रहेगी मेरे लिए या नहीं? थोड़ी बहुत रहेगी, रहेगी, यूजफुल रहेगी, क्योंकि बाकी हैंड मूव करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि हैंड नहीं करेंगे। ओके उसके बाद अगर मिनट का हैंड निकल जाए लेकिन सर। अगर घंटे का हैंड निकल गया मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा टाइम कितना हुआ है, बिल्कुल नहीं आइडिया लगेगा। सर क्यों नहीं, आप आराम से बैठ के कैलकुलेट करो ना कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे एक क्लॉक है, इस क्लॉक के अंदर सिर्फ मिनट और सेकंड का हैंड है। मिनट का हैंड जो है वो 6 पे है और सेकंड का हैंड 9 पे है। ये सेकंड का हैंड है, ये मिनट का हैंड है, बताओ क्या टाइम हो रहा है? कितने राउंड लगा लिए सेकंड? लेकिन 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 मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों हैंड चले भी जाएं, चले भी जाएं, और मेरा आर का हैंड 3 से थोड़ा सा पहले, मुझे पता चल जाएगा ना 2:15-3 के करीब टाइम हो रहा है। So, if this clock is still useful to me, yes or no? Yes, yes, yes sir. Which is the most important hand? Our hand is the most important. Sir, aapne mujhe galat sabit kar diya. Sir. Right. Yeah. Okay, dosto. Sir, quadrilateral humne kara nahi hai na? मैं अभी करा, मैं कोशिश करूंगा अभी कराने की। मैं थोड़ा सा, मेरे को सपोर्ट करो। सर पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टर्ब मत करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पहले। पूरा चेक कर, पूरा मैं कवर करा दूंगा चैप्टर आपका ये अभी। अच्छा अच्छा एक चीज मेरे को तुम लोगों से बड़े काफी दिन से सोच रहा हूँ पूछने की, जरा बताओ यार। क्या बताएं? क्या सर? सर यू आर म्यूटेड। सर नॉड कर रहे, मतलब हाँ। सी आर यूनिट ऑफ टेम्प। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलत करते हैं इसको। जल्दी लिखो, ताली बजानी मैंने जिसने सही आंसर दिया। सर लिख दिया।
एक ना हॉलीवुड में पुराना हीरो है सर, ये केविन कौन है? उसका नाम है केविन कॉस्टनर। केविन नहीं, केल्विन। केविन नहीं, केल्विन होता है। हाँ सर, वो स्पेलिंग गलत हो गई। ऑल राइट, दो लोगों के लिए ताली बजने वाली है। दो लोगों के लिए नहीं, खाली एक बंदे के लिए, तेजस के लिए। सर वो स्पेलिंग ही तो गलत हुई है सर, पर वो बोल रहा था। स्पेलिंग ही गलत हुई है सर, वो बोल रहा था बिल्कुल। ओनली तेजस, छोटी सी स्पेलिंग गलत कर दी। ना ना, छोटी स्पेलिंग गलत कर दी। मनन गलत, केविन इंटीग्रेट एंड फारेनहाइट नहीं होता। एसआई यूनिट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज केल्विन। ओके, एक चीज मैं दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा तुम लोगों को एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर ने आपने दिखाया है। ये देखो स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट, देखो 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 देखो, ये क्या मीटर किलोग्राम है सेकंड तो हो ही गया। वो टेम्परेचर की बता भाई जल्दी, टाइम पास मत कर। केविन सर, केविन, केल्विन, केविन कॉस्टनर नहीं, केल्विन, केविन कॉस्टनर। अरे बुक वाले ने पैसे तो ले लिए लेकिन काम पूरा नहीं किया इसने। ये रहा, ये रहा, ये रहा, अरे ये रहा, देखो केविन, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केविन कॉस्टनर नहीं, केल्विन। अदर एक्सपेक्टेबल यूनिट्स में आ रही है। देखो वही बात कर रहे थे ना क्लॉक की, अगर ये हैंड में से सिर्फ एक हैंड भी बचेगा, खाली एक हैंड बच जाए आर का, तभी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ओके, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके प्लीज बी रेडी। करेक्ट है, मेजरिंग लेंथ मेजर का वो एक फालतू की चीज, दो चीज है कि कभी भी कुछ मेजरमेंट ले रहे हो, कुछ देख रहे हो ना स्केल पे, टेढ़ा नहीं देखना है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऊपर से देखना है। अच्छा, मोशन और रेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी रेडी प्लीज, बी रेडी। सर क्वेश्चन तो दिया ही नहीं। You have to define rest or give the definition of rest. देखता हूँ, ये difficult है. Sir, rest. अच्छा, इसके अंदर type मत करो, time बचा लेते, थोड़ा सा type मत करो. जिसको आता है line के बाद I के लिख दो, I के, I के, I के. Sir, rest करने की बात कर रहे हो? वो वाला rest नहीं. Then something is at rest. I के, विराज, अविराज गौतम. I के है. Next. मतलब बाकी लोगों को नहीं आता ये, भगवान ये बोल ले सर, मैं बोल दूं, रुक जा, बोलने के लिए बोलूंगा, बोलने के लिए बोलूंगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा मनन का, आईडी के। ओके, आई एम सेंडिंग, ओके, जिसको आईडी के, ठीक है, अक्षिता एंड अरिनी का मतलब इन पता, मैं तो आलस वाला बोल रहा हूं। अक्षिता और अरिनी ना तो नर है ना नारी है, बीच में बैठी हुई दोनों, ना आई के है ना आईडी के है, आईएनडी के। अरे दोनों कौन सी दुनिया में हो? स्लाइड चेंज इन द क्वेश्चन, स्लाइड चेंज इन द क्वेश्चन, स्लाइड चेंज इन द क्वेश्चन। सर अब क्या चेंज है? मनन एंड विराज प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, डोंट स्पीक एनीथिंग, आई एम गिविंग यू अनदर क्वेश्चन, दे विल कम बैक टू यू बोथ ऑफ यू अगेन। सर सही तो आदमी बोलते हैं ना, होल्ड योर हॉर्सेस। तो क्या क्वेश्चन है फिर से? सर बोल रहे अभी, How can you define motion? Wow. IK or IDK? Yes, only I need IK and IDK. Only IK and IDK. IK. Just say. मेरे को पता ही पता नहीं, बस पता है कि नहीं पता, पता है कि ओके राइट, आई एम गिविंग फर्स्ट चांस टू अविराज एंड देन मनन। अविराज सर मोशन के बारे में या फिर किसके बारे में? पहले मोशन, पहले मोशन, मोशन सर, ठीक है सर, मोशन है एन ऑब्जेक्ट विच इज इन द मोशन। ओके मनन, which is, sorry sir, an object changing its position with time
that is known as in the mode. The object is in the motion. Okay. Manan Gupta? Okay. काफी अच्छी डेफिनेशन बताई है आपने. थोड़ा सा इस डेफिनेशन को मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ. अभी ओके यू एग्री विद अविराज. ओके गाइस नाउ पे अटेंशन प्लीज. सी मुझे एक बात बताओ. यस सर. एक स्टेशन है यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी हुई है. दिस ट्रेन इज स्टैंडिंग एट अ स्टेशन राइट. एंड ट्रेन है मतलब बेसिकली ट्रेन है सब एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए डब्बे. यहाँ पे तेजस का होटल है तो मेरा होटल ये. हाँ इधर अरिनी ने अपना एक कुछ ब्यूटी पार्लर टाइप का स्टार्ट कर दिया है. अक्षिता ने कुछ यहाँ पे अपनी बुक शॉप लग खोल ली है. सर मेरा नाम मत लेना बस. सर अब मनन को अरबी के थैले में मत भेज देना. अविराज ने अपना डोसा सेंटर लगा दिया इधर. तो कौन बचा? अक्षिता बच गई. नहीं मनन बच गया. मनन ने अपनी मिठाई अब ये ट्रेन यहाँ स्टैंडिंग है स्ट्रेट है कुछ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही. सो व्हाट इज रेस्ट आई टेल यू. सर मैं उसकी डेफिनेशन बता दूं सर प्लीज. बोल 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 सर. एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज which do not change its position with time, that is known as the object is in the rest. आप एक बहुत important point miss करे जा रहे हो बार बार. When an object does not change its position with respect to, मतलब किसके relation में? With respect to. सर मैं with time बोल रहा हूँ ना. With respect to its surroundings. Okay. सराउंडिंग के साथ पोजीशन चेंज होनी चाहिए. सर ये मेरा क्वेश्चन आंसर में था ना. सराउंडिंग के साथ पोजीशन चेंज यानी सराउंडिंग क्या है? मनन की मिठाई की दुकान अक्षिता का ब्यूटी ये इसका ब्यूटी पार्लर ये सब इनके साथ पोजीशन नहीं चेंज हो रही है. विद टाइम टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन नहीं चेंज हो रही. देन इट इज सेट टू बी इन रेस्ट. इट इज सेट टू बी एट रेस्ट नॉट इन रेस्ट एट रेस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ध्यान रख लो. व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद टाइम इट इज सेड टू बी एट रेस्ट. और अगर ये पोजीशन चेंज कर रही है. आपने बिल्कुल अच्छे नहीं किया. आपने मुझे मिठाई के थैले में बिठा दिया. ओके सो मिठाई का थैला मिठाई का तुम्हारा बिजनेस है बहुत बड़ा हल्दीराम की तरह. सो लेकिन अब ये गाड़ी चल पड़ी इधर से. अब तुम लोग तो इधर ही बैठे हो पांचों के पांचों अपनी दुकान खोल के. ये ट्रेन इधर आ गई. ये ट्रेन आ गई इधर यहां से निकल के इधर आ गई. अब इसकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू योर सराउंडिंग्स हैज चेंज्ड. नाउ इट इज इन मोशन. सर क्वेश्चन पूछूं? इसकी डेफिनेशन एक बता रहा हूं. इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ओए जिसने अनम्यूट किया है म्यूट करो. मोशन क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस डज नॉट चेंज की बजाय हम क्या लिखेंगे? Changes. इसकी जगह आ जाएगा when an object changes its position. Changes. सर तब भी मुझे जितना पता था मैंने उतने डेफिनेशन बता दी ना सर. सही थी ना वैसे? ठीक है सही है. With respect to its surroundings. ये surrounding word जरूर आना चाहिए. With time it is said to be in motion. अगर उसकी position अपनी surrounding से चेंज. अब ये क्यों important है surrounding? Suppose करो आप एक train के अंदर बैठे हो. ट्रेन चले जा रही है भैया. ठीक है आप ट्रेन के अंदर हो. ट्रेन के डब्बे ऐसे लगे हुए हैं और ये ट्रेन चली जा रही है. आप ट्रेन के अंदर हो. इधर बैठा है तेजस. चलो मैं नहीं आऊंगा. इधर, 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 इधर बैठा है अविराज. दोनों पंजा लड़ा रहे हैं. ट्रेन तो चल रही है. एक मिनट ट्रेन चल रही है. लेकिन इन दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही एक दूसरे के साथ. ये भी है एक दूसरे के सामने बैठे हुए. तो ये दोनों विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एट रेस्ट है. दूसरा ट्रेन के साथ भी इनकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही. ट्रेन की जिस सीट पे ये बैठा हुआ है ये बैठा हुआ है ये पोजीशन. तो ये खुद में एट रेस्ट है हालांकि
पूरी ओवरऑल ट्रेन इन मोशन है। तो कोई बोला कि भाई जो ट्रेन का स्टेशन है उसके रेस्पेक्ट में ये दोनों बंदे रेस्ट में है कि मोशन में, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ यहाँ जो अक्षिता ने अपना जो 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 भी कुछ खोल रखा है बिजनेस का सेंटर, उसके रेस्पेक्ट में ये लोग मोशन में, ये लोग आगे चले जा रहे हैं छी स्टेशनरी। तो रेस्पेक्ट टू मतलब कि ये होता है सराउंडिंग। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। यस सर। ऑलराइट राइट गाइस, वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। अच्छा देन डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन तो मैं कई बार एक लाइन में चलेगा, लेकिन इसको लाइन बोलते नहीं है, इसको लीनियर मोशन या रेक्टिलीनियर मोशन बोलते हैं। लेकिन याद तुम लोग ऐसे करोगे जैसे मैंने सिखाया अभी, लाइन से लाइनर बनाओगे रेक्टिलीनियर। दूसरा होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्टेडियम बना हुआ है, स्टेडियम के चारों तरफ एक रनिंग का ट्रैक है और उधर तेजस अपनी फुल स्पीड के साथ दौड़ रहा है, तो दिस इज सर्कुलर मोशन। सर किसी और के साथ भी दौड़ रहा है या फिर वो अकेले? अकेला रोटेशनल मोशन और रोटेटरी मोशन। इसके अंदर क्या है, एक आपका फैन है, फैन अपनी एक्सिस पे ऐसे रोटेट किया जा रहा है, दिस इज रोटेटरी मोशन। सर्कुलर है, हाँ सर्कुलर रोटेटरी में क्या फर्क है, देखो सर्कुलर मोशन की एक्सिस के चारों तरफ सब कुछ नहीं दौड़ता। अब जब तेजस दौड़ रहा है तो यहाँ की ग्रास नहीं दौड़ रही, यहाँ की ग्रास नहीं दौड़ रही, सिर्फ तेजस दौड़ रहा है, वो सर्कुलर है। लेकिन फैन का अर्थ जब क्या कर रही है, अर्थ अपनी अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो इंडिया भी रोटेट कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, पूरा ग्लोब रोटेट कर रहा है, तो ऐसा रोटेटरी मोशन होगा, वो रोटेटरी होगा। कोई तुम जैसे एग्जाम्पल पूछ लो सर ये वाला मोशन बताओ कैसा होगा, अगर कोई ईगल है स्काई के अंदर ऐसे गोल गोल घूमे जा रही है, वो सर्कुलेटरी मोशन है, रोटेटरी नहीं है, ठीक। लेकिन आपने वो ले लिया अपना क्या बोलते हैं उसको, जो बच्चे खेलते नहीं आजकल, हमारे टाइम पे तो लट्टू और स्पिन आते थे, आजकल तो आता पता नहीं क्या, बेब्लेड बेब्लेड चला दिया, बेब्लेड रोटेटरी है कि सर्कुलेट? सर रोटेटरी, क्योंकि वो अपने एक्सिस पे ऐसे घूमे, बेब्लेड, ठीक है, ओके। एंड लास्ट इज, लास्ट एक है, उसके दो नाम है, पीरियोडिक भी बोलते हैं इसको, ऑसिलेटरी भी बोलते हैं, ऑसिलेटरी। हाँ, ये क्या होता है, जैसे गिटार की तार है आपने हिला दी, एक बार ऊपर जाएगी एक बार नीचे आएगी, सर वो तो वाइब्रेटरी होता है ना, वाइब्रेटरी भी कई बार उसको बोल देते हैं। सर नहीं, ये तार ऊपर नीचे जाने वाली तो होती है, क्या कहते हैं सर, ये रोटेटरी नहीं, और दूसरा क्या, दूसरा सुनो, दूसरा क्या होता है, एक ड्रम है, ड्रम पे आपने मारा, ऐसे ड्रम था तो आपने आप डंडा मारा इस पे, ड्रम की जो स्किन है वो ऊपर नीचे जाती है, वो पीरियोडिक मोशन। और तीसरा पीरियोडिक मोशन, मैम बताई थी कि वो रोटेटरी होती है, गलत बता रही मैम। और जो ये जो है ना, अच्छा इसके अलावा पेंडुलम सर, पेंडुलम ऐसे पेंडुलम भी पीरियोडिक है, ये तीनों के तीनों चीज बताई मैंने, गिटार, देन तबला और ड्रम और पेंडुलम, तीनों के तीनों ऑसिलेटरी या फिर पेंडुलम, ठीक है भैया। बस चैप्टर खत्म हो गया, सर एक मोशन और समझा, कौन सा वाला, पीरियोडिक मोशन, हाँ जी, नॉन पीरियोडिक मोशन। इस तरह का मोशन कोई होता तो है नहीं, नॉन पीरियोडिक मोशन, मोशन जो वो मोशन वो होता है, पीरियोडिक नहीं होता बस। जैसे जैसे अगर कोई पूछे कि सर ये समझदार स्टूडेंट की क्या निशानी है, तो मैं क्या बोलूंगा कि समझदार स्टूडेंट वो है जो सारे क्वेश्चंस के समझ के सोच के आंसर करे। लेकिन कोई पूछे सर नॉन समझदार बच्चा कैसा होता है, थोड़ा बताना मुश्किल है, सोच के ना करे। तो अगर अगर कोई खास क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में है तो बताओ अक्षिता, नॉन पीरियडिक से रिलेटेड। सर मैं पूछूं, और ये रामायण के कुंभकर्ण की तरह कौन असर है इधर, सर पता नहीं। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, पूछ सर, क्या घास ग्रास हिल सकती है? हाँ, जब हवा चलती है तो हिलती है, सूखी ग्रास
नहीं सर वैसे नहीं। अक्षिता आप क्या पूछना चाह रहे थे, जल्दी पूछ बताओ मेरे को। सर हमारी बुक में एक मोशन है नॉन पीरियोडिक। हाँ सर है। कौन सी बुक में, कौन सी बुक में, कौन सी बुक में सर? वो लिविंग साइंस वाली में। लिविंग साइंस, एक मिनट होल्ड करो। लिविंग साइंस सर नॉन पीरियोडिक मोशन तो वही मोशन होगा ना जो पीरियोडिक। मेरे को फोटो खींच के भेज दे, मैं समझा दूंगा। ठीक है सर, बड़े फोटो खींच। ओके गाइस, अच्छा अब मैं तुम्हें सीधा ले जा रहा हूँ मैथ्स की तरफ। सर नहीं सब यार एक बात बता, सिक्स में क्वाड्रिलेटरल तो चैप्टर है ही नहीं सर, वो उसमें है क्या अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप में। हाँ यस सर, अलग से नहीं है सर। सर मेरा तो अलग से है पूरा चैप्टर। तेरा कौन सी बुक है तेरी? सर आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल से करा देता हूँ, कोई दिक्कत। ओके चलो भैया, आडी शर्मा आर एस अग्रवाल। ओके ये अच्छा, जिसको मैं म्यूट करा अगर वो बंदा मेरी बिना परमिशन के अनम्यूट हुआ ना तो मैं क्लास से निकाल दूंगा उसको। ओके राइट, तो आडी शर्मा एंड लेट मी गेट इट आउट आरडीएस। यस ओके गाइस, अब देखते हैं इसका तो क्विज करूंगा सीधा, समझा रखा मैंने, क्विज करूंगा। और नोटबुक पेन ले लो सर, नोटबुक पेन, नोटबुक पेन, नोटबुक पेन। आरडी शर्मा और अयन जल्दी सर चैट बॉक्स वाला करा दो ना। नो 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 नो, नोटबुक पेन जल्दी सर, दोनों निकाल लूं मैं। अरियन तो नोटबुक पेन है सर। म्यूट म्यूट सर, मुझे बस 3 मिनट देना सर, 3 मिनट। अविराज म्यूट सर, 3 मिनट। मेरे को 50 मिनट देना। अविराज म्यूट। एक और 50 मिनट देना। तू वॉशरूम जा रहा है क्या? नहीं सर, फ्रेश होने के लिए जो तेरे को 50 मिनट चाहिए। नहीं सर नोएडा जा रहा हूँ, नोएडा से वापस आके आपके लिए नोटबुक लेके आ समोसे तो लिए होंगे रास्ते में। यस सर, समोसे ये दो कप कितने बार मारो समोसे। ओके गाइस, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, प्लीज पहले मेरे को क्वेश्चन बता दो। सर बोलो। सर हम बता दो क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ आपको। सर ये तो फिर उल्टा हो जाएगा सर, आंसर देंगे हम क्वेश्चन प्लीज। वैसे सर सब क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, वो तो सही बात है। राइट गाइस, क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज, योर क्वेश्चन इज सर, व्हाट इज द difference between, मैं टाइप कर देता हूँ चलो। सर वैसे आपने हमें तो क्वाड्रिलेटरल नहीं सिखाया मुझे। हमें आप म्यूट हो सर। नहीं वो सर बोल रहे ना। सर मुझे नहीं आते ये जॉनसन भी चैप्टर है ये जो। सर वैसे मुझे भी नहीं आते। जॉनसन एंड जॉनसन होता है, जॉनसन केला नहीं होता है, जॉनसन एंड जॉनसन होता है, उसका पाउडर आता है। सर क्वाड्रिलेटरल हमें नहीं आता। नहीं सर क्वाड्रिलेटरल हमें नहीं आता सर, आपने सिखाया नहीं। क्या मतलब है आपने जो लिखा है उसका क्या मतलब हुआ? नहीं सर सच्ची में मजाक नहीं कर रहा सर, आपने सच्ची में सिखाया सर, सच्ची में नहीं आ रहा। अच्छा ओके ठीक है सर, आपने मैं तो सर अभी अभी ज्वाइन करा है ट्यूशन, तो सर आपने तो मुझे पढ़ाया ही नहीं। सर मैंने भी, तूने पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया? गलती तेरी है कि मेरी है? सर मेरी की बात होती है। सर आपने नहीं पढ़ाया सर, मैं तो थोड़ा शुरू से सर आपने नहीं पढ़ाया। ओके चलो मैं समझा देता हूँ जी, समझा दो सर। अब आज
All right, guys. Sending you the questions. Sending you the PDF. Sir. Question. Sir, I am me. Unmute ho jao sab log pehle. Koi nahi bolega beech mein. Sir, I am me. यार तू म्यूट नहीं होगा थोड़ी देर अभिराज डांट खाया मेरे से अभी अरे डोंट क्राई अभिराज व्हाट हैपेंड टू यू देखना यार अभिराज को क्या हो गया रो रहा है क्या हो गया भाई सब ठीक ठाक तो घर में आज खाना नहीं दिया मम्मी ने ओके दोस्तों आ गया है अपना कॉडिल सर पीडीएफ में भी वही चीज है और फोटोज में भी वही चीज yes, है फोटो में वही चीज है फोटो मैंने डबल भेज सर मेरे को लगा था आसान से जब करो कभी जो निकल लगा अरे भैया क्वेश्चन अच्छा तो आसान है अच्छा मुझे एक बात बताओ ये तो मनन भी बता सकता है इसको तो इतना आसान है क्वेश्चन सर शायद से मुझे करवा रखा है मुझे मेरे टीचर ने अब बताओ सर बता दो अरे नहीं व्हाट इज अ क्लोज फिगर Sir, sir, a close figure is a curve that starts at the same starts at one point and ends in the same point. Same point, बिल्कुल सही बात है. Close figure वो होती है जिसको कि start point और end point same होता है. ये मैंने definition पूछी क्यों तुम लोगों से? ये इसलिए पूछी तुम लोगों से क्योंकि इसके बिना हम polygon को नहीं define कर सकते. तो polygon को define करना क्या है? ये भी मैं अगली definition पूछता हूँ. Who can define IK IDK सर आई नो सर इस बार मेरे से पूछ लो सर सबसे पहले किसका आया सर मेरा अभिराज सर अभिराज ओके अभिराज गो अहेड अभिराज सर पॉलीगन्स इज अ फिगर which is made up of line segments. Okay, एक वर्ड छूट गया आपसे. IK IDK. बताओ. Okay, anybody who can tell me further on this? Sir, I cannot. Anyone? Sir, one second. Manan Gupta. Sir, Manan अपना सर हिला रहा है. मतलब दुख में के खुशी में. ओके गाइस क्लोज फिगर तो सबको समझ में आ गया अक्षिता समझे पहले से ही पता सर आंसर सर मुझे पता है सर एक और चीज बच गई बताओ आंसर एंड पॉलीगन सर व्हिच आर क्लोज फिगर यस बहुत अच्छा अ क्लोज फिगर सर अगर लाइन सेगमेंट हो तो क्लोज नहीं है तो फिर पॉलीगन कैसे हां मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि सर्किल जो है वो एक क्लोज फिगर तो है तेजस सर्किल एक क्लोज फिगर तो है बट सर्किल एक पॉलीगॉन नक्को हाँ इस तरह की फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी है और क्लोज है इसको पॉलीगॉन बोलते हैं और अब मैं आता हूं डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे नक्को ओके हाउ मेनी पीपल नो द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल आई के सर यार अक्षिता तू भी तो कुछ बोल दे Okay, ये डेफिनेशन मुझे तुम लोगों से लिखवानी है गाइस आई वांट द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन राइटिंग लेट मी सी हु गिव्स मी द फर्स्ट ओके सर मैंने ओके सर राइटिंग कर रहा तू ही तो बताना चैट बॉक्स टाइप करना हां टाइप करो छोटी मोटी स्पेलिंग की मिस्टेक माफ हो जाएगी माफी मिल जाएगी सर मैंने लिख दिया
मॉडरेटर सर की स्पेलिंग गलत हो जाती है ना सर, इसलिए बहुत बढ़िया मैंने अच्छा भाई अच्छा आया है वैसे तो आंसरिंग तो ठीक है पर थोड़ा सा गदर है गदर है गदर है गदर है गदर है गदर सर क्या गड़बड़ है वो सही तो है मतलब आप वेरी गुड में आ गए भी एक्सलेंट में आ जाते हैं लेकिन सर थोड़ी, आप पॉलीगन सर अ क्लोज फिगर विद फोर साइड्स ओके मनन गुप्ता तो मनन तो आज आईडी के आईडी कर रहा है सर 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 एक बार सर एक बार सर 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 पॉलीगन पूछो क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटर हां ठीक है सर क्वाड्रिलेटर A close figure, where are you? Sir, a close figure with line segments, with four line segments. Four line segments. Sir, offline coaching कब शुरू होगी? Yes, sir. Okay. पता नहीं बेटा मुझे लगता है जल्दी शुरू होगी जब तक ये तुम लोगों को इंजेक्शन इंजेक्शन नहीं होगा. Sir, मैं तो आई नहीं पाऊंगा. वो जो जब भी हमारी ऑफलाइन शुरू होती है तो हाइब्रिड में चलती है दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन साथ साथ चलती है. मैं अरिनी से बात करना चाह रहा हूँ. अक्षिता अक्षिता ओके अभिराज अभिराज गौतम करेक्ट आंसर तेजस ओके एक गलती हो गई. अबे तू भैया जो पढ़ा जा रहा है वो तो पढ़ ले. मैंने गलती क्या थी? आपने साइड लिखा आपने लिखना चाहिए था पॉलीगॉन पॉलीगॉन विच आर क्लोज फिगर मेड ऑफ फोर लाइन फोर लाइन सेगमेंट्स बस 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 तो इसका मतलब ये है कि अगर चार लाइन सेगमेंट से बनी हुई एक फिगर है तो वो क्वाड्रिलेटरल है. तो मनन ये क्वाड्रिलेटरल है क्या फिगर नंबर वन? यस सर यस सर तेजस तेजस ये वाली है यस सर यस सर ओके अभिराज ये वाली है सर ये भी है यस सर ये कैसे सर फोर साइड है क्लोज फिगर है पॉलीगॉन है और फोर साइड देखो वन साइड टू साइड थ्री साइड फोर साइड ये बहुत लोग इसको कहते नहीं नहीं बहुत लोग इसको वो मान लेते हैं ट्रायंगल. वेरी गुड अभिराज गौतम थैंक यू सर ओके दोस्तों सो क्वाड्रिलेटर क्या है अच्छा अब हम देखते क्वाड्रिलेटर कितने तक अब तो मनन समझ में आ रहा होगा. मनन सर रोम्बस होता है एक शायद से पैरेलोग्राम होता है एक होता है सर आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए आप ऐसे बोल रहे हो मुझे कुछ नहीं रेक्टेंगल स्क्वायर रेक्टेंगल. अरे मनन अभी तो तुम पैदा नहीं हुए ठीक से इतनी बड़ी ईगो लेके क्या करोगे सर क्या अभी ठीक से अभी यू आर नॉट बॉर्न येट प्रॉपर्ली समझ रहे बॉडी बॉर्न हुई है तुम्हारी अभी तुम्हारा दिमाग बॉर्न नहीं हुआ ठीक से सर मैं थोड़ा ज्यादा ईगो को ईगो को साइड में रखा करो सर अपनी पॉलीगन्स की सर पॉलीगन्स मेरे साले इतने बड़े बड़े स्टूडेंट्स को मैं डांट देता हूँ टेंथ वालों को वो बुरा नहीं मानते तो मेरे को बोला सर ऐसे नहीं बोलना चाहिए था ठीक हो जाता. आप मुझे बोल रहे ना कि तुझे कुछ नहीं आता आप बोल रहे हैं सर मैंने कब बोला डिड आई मेक दिस स्टेटमेंट कि तुम्हें कुछ नहीं आता? नो सर. गाइस डिड आई से आई नेवर से दिस टू एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स I never say this to any of my students. Ever, ever, never. मैंने पूछा मनन अब तुम्हें समझ में आ रहा है? Yes, sir. Don't get into all this. ठीक है, be a positive person. Don't get into all stupid things. Okay, so if I ask you, अब समझ में आ रहा है? You should say, हाँ sir, अब समझ में आ रहा है. या फिर सर ये दोबारा बता दो. This is the right answer. Okay, मनन. थोड़ा सा attitudinal change करना अपने आपने अपने अंदर. If you want to become a winner, नहीं तो फिर loser रह जाएगा बाकी लोगों की तरह. अभिराज, दो मिनट चुप हो जाओ. Okay, दोस्तों. अगला जो पॉइंट समझाने जा रहा हूं वो है एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड सो व्हाट इज एडजेसेंट साइड? एडजेसेंट एक्चुअली हिंदी में एडजेसेंट के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? एनीबॉडी हु कैन टेल मी? एडजेसेंट नेबरिंग सर मैं जी एच सर एडजेसेंट की डेफिनेशन बताऊं? एक मिनट नेबर वर्ड यूज यानी पड़ोसी पड़ोसी. एडजेसेंट साइड कौन सी होगी दोस्तों? जिनका कॉमन वर्टेक्स होगा. मनन म्यूट हो. जिनका कॉमन वर्टेक्स होगा. कॉमन वर्टेक्स जिनका होता है यानी कि अगर मेरे पास ये एक है, अगर ये साइड है एबीसीडी तो बीसी और डीसी का ये कॉमन वर्टेक्स. यार म्यूट क्यों नहीं हो रहा यार? कौन है जिसका ऑन है? तेजस म्यूट हो, डिस्टर्ब होता है मेरे को बहुत ज्यादा.
Okay, so guys, what is the definition of adjacent side? Sides with a common vertex. और वर्टेक्स हम किसको बोलते हैं अभिराज सर? जो एजेस होती है कॉर्नर एज नहीं कॉर्नर कॉर्नर सर तो ये जो कॉर्नर है ना ये कॉर्नर इनको वर्टेक्स बोलते हैं. तेजस गॉट इट? कॉर्नर को वर्टेक्स बोलते हैं. तो दो साइड जो कि इनका कॉमन वर्टेक्स है. सपोज करो अपने को एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया. क्वाड्रिलेटरल ये है भाई ए बी सी एंड डी. ये क्वाड्रिलेटर तुम्हारे सामने है. मेरे को आप चैट बॉक्स में आई एम गिविंग ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. ओके लेट मी सी हु गिव्स द फर्स्ट आंसर. यस सर. क्वेश्चन क्या है? आपने किसी दो एडजेसेंट साइड्स का नाम देना. चलो भाई शुरू हो जाओ. अभिराज तेजस मनन सर कैसे देना है? एक बार आप बता दो क्या सर कोई फॉर एग्जांपल आपने बोला है कि एडी साइड एडी एंड साइड बीसी ऐसे करके नाम देना. ऐसे करके बताना. हाँ दोस्तों बताइए. ये तो बड़ा चैप्टर डिफिकल्ट है लेकिन आसान हो जाएगा आपके लिए. आगे भी बहुत यूज होने वाला है ये. सेवंथ में भी एट्थ में भी नाइन्थ में भी टेंथ में भी टेंथ तक चलेगा तुम्हारे साथ. अरे हाँ सर गलत हो गया. ओके मेरे पास विराज गौतम का आंसर आ गया. मनन गुप्ता का आंसर आ गया. मनन ए एंड सी नहीं लिखते बेटा. साइड में हमेशा दो लेटर होते हैं ए सी बी डी पी आर पी क्यू ऐसे. दोबारा करो मनन दोबारा लिखो. सॉरी सर मुझे. तेजस 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 सर मेरा देख रहा हूँ अभी तो चेक करूंगा ना. ओके सर पहले आ गया. कोई बात आप दोबारा टाइप करो. मेरा अरे नहीं क्या बात है बेटा. तू आज बिल्कुल ही वो नहीं कर रही. आंसर नहीं कर रही. डिलीट कर. और अभिलाष मुझसे क्रॉस में नॉट द अरिनी. आई नो द अरिनी हु इज वेरी ब्रिलियंट. म्यूट हो जा सब लोग. अभी म्यूट हो जा सब लोग. ओके दोस्तों मैं देख लेता हूँ किस किस का आंसर ठीक है. देखो पहली बात क्या क्या आंसर अपने सही हो सकते हैं. ए बी और बी सी के बीच में कॉमन है. ए बी बी सी करेक्ट आंसर है. ओके कोई बोलता है बीसी एंड सी डी भी कर सकते हैं. सर बिल्कुल कह सकते हो यार. तुम बीसी एंड सी डी के बीच में सी कॉमन है ये भी करेक्ट आंसर है. कोई बोले सर मैं तो सी डी और डी ए लिखूंगा. सी डी एंड डी ए वो भी करेक्ट आंसर है क्योंकि इन दोनों के बीच में डी कॉमन है. कोई बोले सर मेरे को डी ए और ए बी लिखने का मन हो रहा है तो मैं बोलूंगा लिख लो कोई दिक्कत नहीं. अगर जिस भी साइड का दो कॉमन साइड है. अब देखते तुम लोगों ने क्या सर सर एक बार मुझे समझाना. ये चीज मुझे समझ में नहीं आई. क्या नहीं समझ में आया सर? ये क्वाड्रिलेटरल है. जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी दो साइड है जिनके बीच में एक कॉर्नर. जैसे ये पी क्यू आर है पी क्यू आर एस. तो अगर साइड पी क्यू और क्यू आर को देखे तो इनके बीच में क्यू कॉमन है. हाँ. तो ये पड़ोसी साइड है एक दूसरे की. अगर कोई बोले पी क्यू और एस आर पड़ोसी साइड है. नो 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 नो. इनका कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं. तो ये समझ लो एडजेसेंट साइड मतलब जैसे आपके घर आपका फ्लैट है और आपके फ्लैट से नेक्स्ट में एक दूसरे बंदे का फ्लैट है. आपका डोर इधर खुल रहा है उसका डोर इधर खुल रहा है लेकिन आपकी एक वॉल कॉमन है इधर. आप एडजेसेंट हैं एक दूसरे के पड़ोसी हैं. सर तो सर आपने पूछा क्या था? मैंने पूछा था नेम एनी टू एडजेसेंट साइड्स. सर तो मेरा करेक्ट है एसी एंड बीडी. चैट बॉक्स में देखो मैंने क्या लिखा था. नेम एनी एसी एंड बीडी तो मेरा करेक्ट है. विराज करेक्ट. सर एसी एंड बीडी मेरा करेक्ट है ना? रॉन्ग. रुक जा यार मनन एक मिनट. विराज करेक्ट. तेजस रॉन्ग. मनन रॉन्ग. अरिनी रॉन्ग. अक्षिता एबीसीडी. एबीसीडी कैसे एडजेसेंट हो रही है बताओ. ए बी यहाँ पे है ऊपर सी डी यहाँ. ये पड़ोसी कैसे हो सकती है? इनके बीच में कोई कॉमन है साइड? कोई कॉर्नर कॉमन है? कोई कॉर्नर आपका फ्लैट ये है आपके पड़ोसी का फ्लैट ये है बीच में एक वॉल कॉमन है यहाँ पे ये बीच में कॉमन होना चाहिए. तो ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉमन. या फिर ये वाला ले लो ये साइड और ये साइड. अब तो अच्छा अब मैं दूसरा एक और दे रहा हूँ तुम लोगों को क्वेश्चन. इस बार करेक्ट चाहिए मेरे को बिल्कुल. यस सर.
I am giving you another quadrilateral. Kind. K-I-N-D. Kind. ये साइड के आई है, ये आई एन है, ये एन डी है, ए डी है. दो एडजेसेंट साइड बताओ इसकी, कोई भी. सर मुझे अभी भी ये जो आपने वर्ड बोला है एडजेसेंट, उसका मतलब क्या है, एक बार फिर से बताओ. पड़ोसी. अच्छा अब समझ. ये तो हिंदी में, उर्दू में समझाना पड़ेगा मुझे. सर एक बार सामने से हटा, मुझे वो देखना है फिगर. उर्दू में समझ नहीं आएगा. K I N D यानी कि बीच में एक वर्टेक्स कॉमन. सर भेज दो आंसर. रुको रुको रुको. हाँ डालो डालो डालो. एक आंसर कॉर्नर, एक कॉर्नर दोनों का कॉमन होना चाहिए. यस यस यस. अब तो कुछ लोगों के दिमाग में बात बैठ गई है. बैठ गई बैठ गई बहुत. अरे नहीं अक्षिता, अरे नहीं अक्षिता. ऑल राइट गाइस, देखो सबसे पहला आंसर आया विराज गौतम. सर मेरा है. मनन गुप्ता, अक्षिता शर्मा, तेजस सिंह. वाई इज अरिनी नॉट रिस्पॉन्डिंग टूडे? अरिनी यू आर प्लेइंग विद बटर कप और वॉट? नहीं सर ये. अरिनी आज तेरा डिले कैसा रहा आंसर? सर पता नहीं क्यों सारा पूरा एंटर के दब रहा है और बार बार कुछ जा ही नहीं रहा है. Okay, हो सकता है नेटवर्क स्पीड का इशू. अच्छा दोस्तों अगला पॉइंट मैं बता दूं तुम्हें, ध्यान से सुन लेना. सर दो एडजेसेंट साइड तो तुम लोग समझ गए. इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी इसलिए. ओके तो अभी एक बात, एक बात तो बिल्कुल पल्ले गांठ बांध लो तुम लोग कि एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी, पड़ोस वाला बंदा. तो एडजेसेंट साइड तो ये होगी, ठीक है. पर वॉटर, ओए कौन है बीच में गड़बड़ फैला रहा है? ध्यान दो, ध्यान दो भैया, ध्यान दो बिलर. ओके ना, व्हाट इज एडजेसेंट वर्टेक्स? वर्टेक्स तो पता है सबको, तेजस तुझे पता है ना वर्टेक्स क्या होता है? कॉर्नर मतलब. कॉर्नर जैसे डॉग कॉर्नर, कैट कॉर्नर. कॉर्नर मतलब एक कोना. तो कैट कॉर्नर क्या होता है? जिसमें कैट रहती है. ओके नाउ सी हियर प्लीज गाइस, गेस प्लीज. वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. So what are adjacent vertices? Adjacent vertex. Vertex तो actually singular को बोलते हैं, plural में vertices हो जाता है. Vertices. Corners on the same side. Corners on the same side. Example के तौर पे देखो, vertex A and vertex B adjacent vertex है. यानी ए और बी एक ही साइड के दो हिस्से. अब तो समझ में आ गया मनन? जैसे जिस बच्चे को समझ में आ गया पड़ोसी क्या होता है, उसको फिर एडजेसेंट का मामला सारा क्लियर हो जाएगा. एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होते हैं? कॉर्नर्स ऑन द सेम साइड. नेक्स्ट वर्ड आने वाला है व्हाट आर अपोजिट वर्टिसेस. अपोजिट वर्टिसेस अपोजिट वर्टिसेस देखो दोस्तों. सर ए एंड सी. यस, इसके डेफिनेशन क्या होता है? कॉर्नर्स विच डू नॉट लाई, लाई मतलब पड़े हुए, जैसे तेजस पड़ा रहता है अभी बेड पे. कॉर्नर्स विच डू नॉट लाई ऑन सेम साइड. नहीं मनन तो खैर चेयर में बैठता है, मनन तो चेयर में बैठता है. देखो भैया अभी तो चेयर में बैठा हुआ. ओके अभी देखो यहाँ पे एबीसीडी में देखो, ये जो ए और डी है ना, इस साइड ए डी पे पड़े हुए हैं तो ये तो एडजेसेंट होंगे, लेकिन ए और सी के बीच में कोई कॉमन साइड नहीं है, कोई भी कॉमन साइड नहीं है. ये होगा एग्जांपल ए एंड सी, और दूसरा एग्जांपल हो जाएगा डी एंड बी. और इस क्लास की लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं तुम्हें आज इस क्लास का, और ध्यान रखना भाई ये नोट्स जिसने बना लिए वो बच्चा मेरे को बार बार थैंक यू बोलता रहेगा. सिक्स में बोलेगा, सेवंथ में भी, एट में भी, नाइन्थ में भी, टेंथ में भी, कि सर ने मेरे को ऐसा समझाया था क्वाड्रिलेटरल, क्या मैं क्वाड्रिलेटरल का बैंड बजा सकता हूं अच्छे से. व्हाट इज अ डायगोनल?
See, I'm giving a definition. Please make your notes and remember it. Sir, okay, who can tell me that? Okay, tell. Diagonal. Sir, which are diagonal? Yes. Sir, which are diagonal means जैसे A और अपना गलत line segment which joins opposite vertices. गलत था. लाइन सेगमेंट विच जॉइंस अपोजिट वर्टिसेस. अपोजिट वर्टिक्स है कौन कौन से? ए और सी. ए और सी को जो लाइन सेगमेंट जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायगोनल. दूसरा वाला कौन था अपोजिट वर्टेक्स? डी और बी, जिनके बीच में कोई भी लाइन कॉमन नहीं थी. तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अपोजिट वर्टिसेस इज नोन एज डायगोनल. नोट्स बनाना दोस्तों. तुम लोग बार बार मेरे को थैंक यू बोलोगे जब हमारे मार्क्स आया करेंगे कि सर आपकी वजह से मेरे 100 में से 98 मार्क्स आ गए हैं अभी मैथ्स में. ठीक है, ठीक है गाइस. चलो आज की क्लास में इतना ही टाइम है, कल हम फिर मिलते हैं और इसी को कंटिन्यू करेंगे और फिर इसका हम करेंगे बढ़िया सा क्विज. बाय सर. एक मिनट, मैं सब लोग टाइप कर लो अपना, देखता हूँ कि सर सबसे लंबा बाय आएगा. मेरा आने से पहले एक गो. मेरा आया सबसे लंबा. बाय 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 बाय.